मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, वर्ष 2021 में कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का धार्मिक महत्व क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन संध्या काल में किसी भी पवित्र नदी में दीप दान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नष्ट होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीप दान, होम यज्ञ और ईश्वर की उपासना करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प ले और किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्र उदय होने पर 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिकी स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए। अब कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी तो आपको बता दें कि वर्ष 2021 में कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 18 नवंबर 2021 को दोपहर 12:02 पर और कार्तिक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर 2021 को दोपहर 2:29 पर।